कि मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मेरी सब कुछ है गौरा मैया, उसने सिर्फ राधा माँ मानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मैं सुबह शाम करूँ जब महामृत्युंजय मंत्र का, उसकी जुबां पे हर समय राधा रानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ केदारनाथ चलें, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ केदारनाथ चलें, मगर उन्होंने सिर्फ मथुरा वृंदावन जाने की ठानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मेरी आखिरी इच्छा है मैं शिव को देखूं, मेरी आखिरी इच्छा है मैं शिव को देखूं, उसे निधिवन रात बितानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मेरा मन नाचता है शिव तांडव सुन के, मेरा मन नाचता है शिव तांडव सुन के, उसे बांसुरी की धुन पे अपनी पायल खनकानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। अब मैं अपने लहजे में लौट रहा हूँ, मैं वीरस का कवि लिखा था थोड़ा श्रृंगार रस पे, सुनेगा कि मतलब के लिए गधे को बाप बनाने वालों, मैं आखिर तुम्हें क्या ही ज्ञान दूं, और श्री राम को काल्पनिक कहते हो, बताओ कितने प्रमाण दूं, और छान धरा लंका की अवशेष तुझे मिल जाएंगे, पत्थर राम सेतु के राम राम चिल्लाएंगे, और जा देख जाके श्रीलंका लिपक्षी मलेशिया तक में हनुमान के पद चिन्ह पाएंगे, प्रमाण तो और भी दूं मगर क्या तेरी समझ में आएंगे। सुनिए कि खुद का कोई वजूद नहीं, तुम श्री राम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, अरे स्वयं विष्णु का अवतार है वो, तुम उन्हें काल्पनिक बतलाते हो, और सत्ता के प्रलोभियों गद्दी के खातिर भाई भाई को लड़वाते हो, और जहां प्रेम था टूट भाई भाई में, तुम उस ग्रंथ को झुटलाते हो, अरे होते कौन हो तुम जो सच्चे सनातनियों के प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हो। सुनिए कि अब उम्र बढ़ रही है ना, तो बचपन याद आता है कि बचपन जैसा कुछ नहीं था। तो सुनिए, भीड़ तो काफी है आसपास, मगर सच में कोई साथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है, लाखों हाथ है तुम्हें गिराने के लिए, मगर कोई संभालने वाला हाथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। दिन तो फिर भी गुजर जाता है, दिन तो फिर भी गुजर जाता है, मगर अब वो पहले जैसी रात नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। पहले सच में हंसते थे और रोते थे, पहले सच में हंसते थे और रोते थे, चेहरे पर अब असल मुस्कुराहट नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। पहले गलतियां भी नादानियां होती थी, पहले गलतियां भी नादानियां होती थी, अब लोगों को मेरे मजाक में भी नजर आता मजाक नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी मस्त गुजरेगी, सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी मस्त गुजरेगी, गुजर तो रही है लेकिन मस्ती साथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। सुनिए कुछ लाइनें और, कि कलयुग के लोगों के मन में कंस बसा है, ऐसे पापियों का अब सर्वनाश करो, आओ माधव इस युग में भी वास करो, प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाओ तुम, वाणों को पापियों के रक्त से नहलाओ तुम, और इस युग को भी सतयुग बनाओ तुम, हे मुरलीधर इस अनुज को भी अपनाओ तुम, हे मुरलीधर इस अनुज को भी अपनाओ तुम, मेरे भी गुरु मित्र या मार्गदर्शक बन जाओ तुम, और जैसे बताया सही गलत में अंतर अर्जुन को, और जैसे बताया सही गलत में अंतर अर्जुन को, ठीक उसी प्रकार प्रभु मुझको भी बतलाओ तुम। सुनिए अब वीर रस ज्यादा हो रहा है तो दोबारा श्रृंगार रस की ओर थोड़ा सा, कि सफेद में सरस्वती, सफेद नारी देखिए कितनी सुंदर है, नारी सच में सुंदर है, कि सफेद में सरस्वती लाल में दुर्गा, सफेद में सरस्वती लाल में दुर्गा, और काले कपड़ों में माँ काली जितनी खूबसूरत दिखती है, और मन भी प्रफुल्लित हो जाता है जब ये कलम उसकी तारीफ लिखती है। चंद लाइनें और, कि गुलाब गुलदस्ता घड़ी
चांदी सोना नहीं चाहिए कि गुलाब गुलदस्ता घड़ी चांदी सोना नहीं चाहिए, मेरे हाथ में बस तेरा हाथ होना चाहिए। और लड़ जाऊं तेरे खातिर सारे जहां से, लड़ जाऊं तेरे खातिर सारे जहां से, मगर तेरा भी तो साथ होना चाहिए। चंद लाइनें बेवफाई पर कि शादी हो गई उनकी, तो कल मिली और पूछने लगी, कल मिली और पूछने लगी कि अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे, कल मिली और पूछने लगी अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे। टूटा दिल बोल पड़ा तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, तू मर तो सही। देखिए जीवन कितना सरल हो अगर कुछ लोग मिल जाएं जीवन में, तो सुनिए, जीवन कितना सरल हो यदि यशोदा जैसी मैया हो, भरत जैसे भैया हो, कर्ण जैसा मित्र हो, प्रभु श्री राम का हृदय में चित्र हो, श्री कृष्ण जैसा साथी हो, माँ पार्वती जैसी जीवन साथी हो, स्वामी विवेकानंद जी जैसे विचार हो, कौटिल्य जैसे आचार्य हो, जटायु जैसी दृष्टि हो, तभी तो बेमिसाल ये सृष्टि हो, और मीलों दूर तक फैला अपना साम्राज्य हो जिसमें केवल रामराज्य हो, मन में ना किसी के प्रति छल हो, हनुमान जी जैसा बल हो, माँ सरस्वती का कंठ पे वास हो, भारतीय फौजी जैसा साहस हो, दूसरों के दुख दर्द का भी एहसास हो, और रावण जैसा ज्ञान हो, खुद का पुष्पक विमान हो, फिर भी ना किसी बात का अभिमान हो, तो जीवन कितना आसान हो, तो जीवन कितना आसान हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।